का भोग लगाया नहीं, पर्दा हटा करके देखा कि परमात्मा ने दूध का भोग ले लिया होगा। समय बीतता गया, फिर पर्दा लगा करके फिर रुक गए। सोचा कि हो सकता है परमात्मा कहीं ध्यान में होंगे, और इंतजार करने लगे और फिर वो अपनी मस्ती में गाने लगे। काफ़ी समय बीत गया, फिर छोटा बच्चा धैर्य खो बैठा कि प्रभु क्या बात है, मुझसे कोई अपराध हुआ है। रोज पिताजी आपको भोग लगा के जाते हैं, आप उनका हाथों से दूध पी लेते हैं, आज मेरे हाथ से आप दूध नहीं पी रहे हैं। और वो धीरे धीरे अपना जो है गुस्सा उन पे प्रकट करने लगे और कहने लगे, प्रभु देखो आज यदि आप दूध नहीं पियेंगे तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, या तो आप दूध पीजिए या फिर मैं यहीं पे जो है आपके दरबार पे आपके चरणों में अपना मत्था जो है मार मार के अपना फोड़ लूँगा, यहीं अपना शरीर त्याग दूँगा। और ऐसा उनको हठ करने लगे। तो कहते हैं कि हठ तीन प्रकार की होती है, क्रिया हठ, योग हठ और बाल हठ। जब बाल हठ हो जाती है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए परमात्मा को आना ही पड़ता है। जब बच्चा उन्होंने देखा कि परमात्मा भोग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो वो जैसे ही अपना मत्था उनके चरणों में मारने लगे, प्रभु ने दोनों हाथ आगे किए और उनको दर्शन दिया कि मैं आपका भोग खाऊंगा। तो बोले विठल भगवान की, बोले संत गुरु नामदेव महाराज की। अगर सच्ची प्यास होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो प्रभु को आना ही पड़ता है। प्यास आपके अंदर होनी चाहिए, जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी ललक, इतना आपका प्रेम होना चाहिए कि प्रभु को प्रकट होने के लिए विवश होना पड़े। समय बीतता गया और बीतते बीतते जब प्रभु उनसे बातें करने लगे, जैसे आप और हम बात करते हैं ऐसे बातें करते थे, कहते हैं कि 72 बार उनको दर्शन दिया। लेकिन उनके लिए तो दर्शन क्या, जैसे जब भी उनसे बातें करते थे तो आप बीतता गया। उम्र बड़ी हुई, मेरा वंश कैसे चलेगा, इसको धंधे पानी में लगाया जाए। तो उन्होंने एक गठड़ी कपड़े की दे दी, कहा कि नामा आज तेरे को जो है ना व्यापार करना है, कपड़ा बेच करके आना है, वो जो दूसरे व्यापारी लोग हैं उनके साथ तुम भी बाजार के अंदर जाओ और अपना कपड़ा बेच करके आओ। अब वो गठरी लेकर के बाजार के अंदर चल पड़े और बाजार के अंदर जा करके अपनी जो है चादर बिछा करके कपड़ा उसके ऊपर रख दिया। साइडों में और भी दुकानें लगी हुई थी, सब आते जाते और कपड़ा लेने लग जाते, लेकिन नामदेव जी तो अपनी गठरी लगा के दुकान खोल के और बैठ करके वो तो विठल भगवान में इतने खो गए और वो तो कीर्तन करने लगे। तो सभी करेंगे विठल विठल विठला। देखो यदि आपको परमात्मा से प्रेम, विठल विठल विठला हरि ओम विठला विठल विठला हरि ओम विठला विठल हरि ओम विठला अपने कीर्तनों में खोए हुए हैं, गा रहे हैं, अपनी भक्ति के अंदर मस्त हैं। उनको होश ही नहीं कि मैं बाजार के अंदर बैठा हूं, कपड़ा बेचने के लिए आया हूं। आसपास के जितने भी व्यापारी थे अपना कपड़ा बेचने में मस्त थे। पूरा दिन निकल गया, शाम को सब अपने अपने गठड़ी बांध करके जब चलने लगे तो सबने संत नामदेव जी को उठाने लगे कि भाई कहाँ खोए, तुम्हारा एक भी कपड़ा नहीं बिका और हमने पूरी गांठ की गांठ बेच दी है, तुम कहाँ खोए हुए हो। नामदेव जी ने अपनी गठड़ी उठाई और चल पड़े साथ के साथ। अब मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि कपड़ा तो एक भी नहीं बिका, अब घर जाएंगे तो पिताजी डांटेंगे कि तूने तो एक भी कपड़ा नहीं बेचा। और वो तो ऐसे जा रहे थे कि चल रहे थे कि रास्ते के अंदर, अब जब विठल भगवान की जब भक्ति के अंदर का जब उसका भगत उनका संत नामदेव जी जब खोया हुआ था, तो प्रभु भी उनकी मदद के लिए आते हैं, भगत की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि
मेरे भगत को नामदेव जी को उनके पिता की डांट ना पड़े, इसलिए उन्होंने रास्ते के अंदर एक कुल्डी, जिसको एक छोटी सी हांडी बोलते हैं, वो रास्ते के अंदर रख दिया और उसके अंदर हीरे मोती डाल दिया, ताकि नामदेव जी यहां से निकले तो उस हांडी को ले जाए तो कम से कम घर पे डांट तो नहीं पड़ेगी, तो गुजारा चलने के लिए उनके पास हीरे मोती दे देगा कि चलो घर का गुजारा हो जाए। घर की हालत भी ज्यादा अमीरों में नहीं थी, चल रहा था गुजारा। अब नामदेव जी ने देखा कि पास में एक हांडी है और उसमें कुछ हीरे मोती चमक रहे हैं, उन्होंने उनको वहीं ढक करके रख दिया और कहा कि हो सकता है कोई भूल गया होगा, कोई रख करके यहाँ आराम किया होगा पेड़ के नीचे और कहीं वो चलते चलते भूल गया होगा तो वो याद आएगा तो यहाँ से ले जाएगा, और ऐसा सोच करके उन्होंने उस हांडी को वहीं रख दिया, लिया ही नहीं और चल पड़े अपनी मस्ती में। वो बिठल बिठल करते हुए जा रहे हैं, घर पहुंचे तो घर जा करके डांट पड़ी। पिताजी ने डांटा कि तुम्हें पहली बार व्यापार करने गए थे, तुमने व्यापार से कुछ भी आज कमाया नहीं, पूरे दिन तुम बैठ करके आगे कपड़ा भी तुमने नहीं बेचा। बात आई गई हो गई, शाम के समय उनकी शादी जो है राजाबाई से कर दी गई थी, तो पत्नी से हम आजकल भी बातें करते हैं,